ये MT15 बाइक है और मैं इसका पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि 22,000 के बाद चलने के बाद गाड़ी कैसी चलती है, इसका क्या इंजन साउंड होता है, क्या कम होता है, ज़्यादा होता है, और मैं दिखाता हूँ कि लगभग बाइक मतलब 23,000 प्लस चल चुकी है। ये 24,337 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। आपको दिखाई नहीं देता होगा लेकिन रियल में चल चुकी है। और जिसके पास MT15 बाइक है वो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं ये बाइक है और लगभग टायर इतना मतलब 50% होगा टायर का, मतलब बाइक का टायर। और ये मतलब थोड़ी थोड़ी डिसकलर हो जाती है और इसका पेंट का क्वालिटी है थोड़ा और बेटर होना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं आप थोड़ा जंग लग चुका है। और ये ब्रेक है और मतलब यही 24,000 चलने के बाद एक बार पिछला ब्रेक पैड चेंज कराए थे और इस बार लगता है फिर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि MT15 का जो ब्रेक पैड है वो पीछे वाला बहुत ज़्यादा घिसता है और इसमें सिर्फ आगे ABS होता है और पीछे ABS नहीं दिया जाता है। और इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं आप सभी को। इसका साउंड मतलब साउंड देखिएगा, पहले से थोड़ा हल्का चेंज हो गया इसका साउंड, क्योंकि उसमें नया नया कुछ और चीज़ होता है। और ये मैं खास चीज़ आपको बताता हूँ कि जिसके पास भी बाइक है वो ये सिटी एरिया के लिए सबसे बेटर है, गांव के लिए पूरा उतना मैं सलाह नहीं देता हूँ लेने के लिए, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा कीचड़ होता है, क्योंकि गाड़ी बार बार धुलवाना पड़ता है, बार बार ऐसी करवाना पड़ता है, उसी कारण ये ज़्यादा इसमें थोड़ा डिसकलर हो जाता है इसका कलर, और देख सकते हैं आप। बाकी बात ये इंजन लगभग 1,000 प्लस लगता है, क्योंकि और इसमें क्लच प्लेट में मेरा ज़्यादा लग गया, क्योंकि जब क्लच प्लेट जल गया था उसमें लगभग हम 200 किलोमीटर चला दिए क्लच प्लेट जलने के बाद भी, और गाड़ी लगभग 50 से ज़्यादा नहीं भागती थी। और देख सकते हैं एगला भी लगभग एगला है, 80% टायर एगला भी बचा है 24,000 चलने के बाद। और देख सकते हैं हम गाड़ी का कंडीशन 24,000 चलने के बाद कैसा होता है, आप जैसा रखिएगा वैसा रहेगा। और 1 साल में लगभग मेरा 24,000 किलोमीटर चला दिए हैं और इसमें बहुत सारा चीज़ लगाए हैं, दिखाते हैं आप सभी को। रिमोट से सारा चीज़ ऑपरेट होता है, जितना भी होता है रिमोट से स्टार्ट होता है, रिमोट से ऑपरेट होता है, रिमोट से लॉक हो जाता है गाड़ी। खुलने में दिक्कत होता है, छोड़िए नहीं खुलता है। तो आपको गाड़ी कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। और लगभग 10,000 व्यू चाहिए इस वीडियो पर, और आप जैसे वीडियो बोलेंगे MT50 के बारे में ऐसा वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू।